काल में हम पाते हैं कि जब किसी प्रांत के राजा ने केंद्रीय ताकत का विरोध किया, तब उसने वहां के लोगों के दिलों में अपने लिए खास जगह बना ली। शिवाजी का ये किला भूपालगढ़, जो आज बानुरगढ़ नाम से जाना जाता है, उतना मशहूर नहीं, पर यह बीजापुर राज्य की सीमा पर था। और आज भी यहाँ शिवाजी और बीजापुर के आदिलशाही हुकूमत के बीच के संघर्ष के किस्से सुनने मिलते हैं। औरंगजेब के आखिरी दिनों में मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा था। इसकी एक वजह भी और नतीजा भी ये था कि अलग अलग प्रांतों के लोग अपनी अलग पहचान बनाने लगे थे। शिवाजी ने भी छोटे मोटे जागीरदार की हैसियत से उठकर एक नया मराठा राज कायम करने की ठानी। उन्होंने एकता की नई भावना को बढ़ावा दिया, जिसमें भाषा, धर्म, प्रांत इन सब का मेल था, मगर साथ ही इसमें एक राष्ट्रवादी भाव भी देखा जा सकता, खासकर इसलिए कि तब तक राष्ट्रीय स्तर पर एकता की भावना नहीं बनी थी। कैसी विकृति है कि आज कुछ लोग शिवाजी को अपना आदर्श कहकर धर्म और भाषा के नाम पर लोगों में फूट डालने पर और अविश्वास बढ़ाने पर आमादा हैं। कीर्तनकारों की ये टोली तुकाराम के अभंग गा रही है। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। मराठी में उनके अभंगों ने समानता और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। त्या मनुष्याच्या देहाला आल्यानंतर तू काय करायला पाहिजेस, काय करून राहिलायस, काय करायचं तुझं राहिलेलं आहे, ते करायचं आहे ते साधू संतांनी सांगितलं। बहुत जन्मांती जन्मला हम विष्णु के भक्त हैं और मोम की तरह नर्म हैं। पर वज्र समान कठोर भी हो सकते हैं। सज्जन पुरुष जो भला लगे लंगोटी तक उसको हम दे दें। जो बात हमारी न माने हम जान भी उसकी ले लें। नाथाळाच्या माता नोकाट्या अशा तऱ्हेचे त्यांचे प्रहार आहेत, म्हणून त्यांना वार करी म्हटलं। अन्यायावरती वार करणाराची जी जात त्याचं नाव वार। गौर करने लायक बात है, प्रेम और भक्ति रस के साथ इसमें युद्धकारी भाव भी शामिल है। सूफी और भक्ति परंपराओं के जरिए कई स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ था। इनसे सामाजिक चेतना भी जुड़ी थी, जैसे कबीर और गुजरात में आंखों ने साफ साफ कहा कि अगर लोगों तक पहुंचना है तो संस्कृत माध्यम नहीं हो सकता। संस्कृत से हटकर इन भक्तों ने अपनी भाषाओं में लिखना पसंद किया, क्योंकि उनमें से ज्यादातर लोग ब्राह्मण नहीं थे। कबीर जुलाहा थे, तुकाराम वाणी, मीराबाई के भजनों में एक शोषित नारी की आवाज, पुरंदरदास, नानक, ये लोग किसान कारीगर वर्गों के थे। बंगाल में चैतन्य के गीत, पंजाब में गुरबानी और सूफियों के विद्रोही कलाम, इस दौर का ज्यादातर साहित्य धार्मिक ही है। समाज सुधार की बात सोचने वाले बहुत से संत पीर दकियानुसी ख्यालों और जात पात के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और उनके मानने वालों की तादाद भी बढ़ रही थी। कई जगहों पर इस जागरण ने राजनीतिक रूप अख्तियार कर लिया। मराठा आंदोलन तो चल ही रहा था,
बुंदेले, जाट, सिख और अफगानी भी विद्रोह पर उतर आए। यही कारण है कि औरंगजेब और बाद के मुगल बादशाहों को हर तरफ युद्ध और बगावत से जूझना पड़ा। इस जबरदस्त फूट ने आगे चलकर अंग्रेजों की काफी मदद की। वैसे जब अंग्रेज यहाँ व्यापारी बनकर आए थे, मुगल सल्तनत अपनी पूरी ताकत पर थी और गद्दी नशीन थे जहांगीर। तब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में बड़ी मुश्किल से अपना पहला कदम रखा। सूरत पश्चिमी तट पर बसा मुगल जमाने का प्रमुख बंदरगाह था, यूरोपीय व्यापारियों के आने से भी पहले। ये ताप्ती नदी के दक्षिणी मुहाने पर है और पश्चिम के समुद्री रास्तों से इसका सीधा रिश्ता था। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच लोगों के गोदाम दफ्तरों की बस एक आध इमारत बची हुई है, कोई अब स्कूल है तो कोई धर्मशाला। और ये है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के अवशेष। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आखिरी दिन कायम की गई थी। सूरत में कारोबार के लिए अंग्रेजों को बादशाह जहांगीर के फरमान की जरूरत थी। पुर्तगालियों ने पूरी कोशिश की कि ऐसा ना होने पाए। अंग्रेज 12 बरस दरबार में लगे रहे, तब जाकर वो फरमान पाने में कामयाब हुए। सूरत अंग्रेजों के व्यापार का मुख्य केंद्र बना, तब खास करके मसाले और नील का यहां से निर्यात होता था। फिर एक बार अंग्रेज और डच लोगों ने जो कपड़े का निर्यात शुरू किया तो वो बढ़ता ही गया। यूरोप की इस नई और बढ़ती हुई मांग के कारण कपड़े का उत्पादन तेजी से बढ़ा, लेकिन इस बढ़े हुए उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी में कोई सुधार नहीं किया गया। हुआ ये कि अब और ज्यादा कारीगर गुजरात बुलाए गए। फिर काम का और बंटवारा होता गया, जैसे कि जरी के लिए सोने और चांदी के धागे बनाना एक अलग काम बना। ऊपर से उत्पादन व्यवस्था भी तो बिचौलियों के कब्जे में थी। सारा मुनाफा बिचौलियों और साहूकारों को जाता। कारीगरों के पास ना तो पूंजी थी और ना ही काम के ऊंचे दाम की आशा कि वो कोई नई तकनीकें खोजते। और मालदार लोग तकनीकी प्रयोगों में पैसे लगाने के बजाय धर्म कर्म वगैरह में ज्यादा खर्चा करते थे। भारत में यूरोप के उत्पादनों की कोई खास मांग नहीं थी, कुछ लग्जरी की चीजों को छोड़कर। तभी तो कपड़े मसालों के बदले में बुलियन आता था, सोना और चांदी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की खानों से। मिसाल के तौर पर केवल 1680 में जितना बुलियन इंग्लैंड से भारत आया उसकी कीमत थी 1,20,000 पाउंड से भी ज्यादा। प्राचीन काल में रोम के साथ भी हमारे व्यापार का कुछ ऐसा ही रिश्ता था, जब यहां से माल जाता था और बदले में आता था सोना। अंग्रेजों की और एक चीज की बहुत ज्यादा मांग थी और वो था सॉल्टपीटर, एक खनिज जिससे बारूद बनता था। सॉल्टपीटर निर्यात का खतरा मुगलों ने जल्द ही समझा और इसे रोकने के लिए कानून बनाए। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों को तरह तरह की छूट क्यों मिलती गई? भारत वाले जहाजरानी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में कमजोर पड़ गए थे और अंग्रेजों के पास था ये सब, इसलिए मुगल बादशाह उन्हें छूट देने पर मजबूर हो गए थे। और यूं भारत में अंग्रेजी राज का रास्ता साफ होता चला गया। अजीब बात तो ये है कि बहुत से यूरोपीय जहाज बनाने वाले यहीं के मिस्त्री कारीगर थे। ये मास्टर मिस्त्री इसाक भाई कहाँ हैं? पीछे की तरफ। अच्छा।
काफी काम हो गया जहाज का। काफी काम हो गया है। ये इस बंदरगाह में ऐसे लकड़ी के कितने जहाज बन रहे हैं? 200 के करीब होगा। अच्छा, और वो मैं आपको पूछ रही थी ना, ये ऐसे वाले जॉइंट्स का किधर है? बार में है। अच्छा, अभी जब बाद में बताता है, अभी सुधार को काम थोड़ा बोल के आता है। अच्छा ठीक है। गुजरात कोस्ट पर जामनगर के पास ये है जाम सलाया। ये उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से है जहाँ जहाज बनाने की पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। 350 टन का ये सोफिया अल उलिया इस साल बनने वाला सबसे बड़ा जहाज है। 17वीं-18वीं सदियों में यूरोप जिस तरह बाकी दुनिया पर छा गया था, उसमें उनकी समुद्री ताकत और जहाजों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यूं तो समुद्री व्यापार की हमारी भी सदियों पुरानी परंपरा थी। नाव और जहाज बनाने में हमारे मिस्त्री भी माहिर थे, और तभी धीरे धीरे पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड वगैरह के भी कई सारे जहाज हमारे यहाँ बनवाए जाने लगे। मुगलकालीन चित्रों में मैंने तख्तों के ऐसे ही जोड़ देखे हैं। हमारे यहाँ नाव जहाज बनाने की कुछ खासियतें थी जो यूरोप की तकनीक से बिल्कुल अलग थी। जैसे ये जोड़ जो बढ़ई की निपुणता दिखाती है। यहाँ तख्तों को इस तरह बिठाया जाता है कि उनके बीच में बिल्कुल गैप ना हो और सतह एकदम समान हो। बस जहाँ जरूरत हो तेल में भीगी हुई रुई घुसाते थे, फिर तो पानी में लकड़ी फूल कर जहाज को एकदम वाटरप्रूफ बना देती थी। पर यूरोपीय जहाजों के जोड़ साधारण होते थे, जिनमें तख्तों के बीच और ऊपर ओकम पोतकर उन्हें वाटरप्रूफ बना दिया जाता था। ये ओकम डांबर और रेशों का बनता था, जो काफी महंगा पड़ता था। अंदाजा है कि एक 500 टन का जहाज भारत के शिपयार्ड में बनवाकर अंग्रेज 1000 पाउंड तक की बचत करवा सकते थे, जो उस जमाने में यानी 18वीं सदी में काफी थी। ऊपर से सस्ती मजदूरी और अच्छी कारीगरी, टीक जैसी बढ़िया लकड़ी भी आसानी से मिल जाती थी। यूरोप वाले यहाँ के मिस्त्रियों से इन्हीं कारणों से जहाज बनवाने लगे। ये सोफिया अल उलिया भी उसी इंडो यूरोपीय मेल का नतीजा है। ऐसे जहाज को ब्रिक कहते हैं। यूरोपीय तकनीक का एक पहलू जो यहाँ आम तौर पर अपनाया गया, वो है जहाज में कील का उपयोग। अब सोचकर आश्चर्य होता है कि इसके पहले के जहाज तख्तों में छेद करके नारियल के रस्से से बांधे जाते थे। यूरोप वालों ने तो आश्चर्य के साथ डर को भी व्यक्त किया, अगर रस्सी टूट गई और पानी अंदर भर आया तो। वैसे भारतीय नाविक तो सदियों तक ऐसे बंधे हुए जहाजों में दूर देशों तक का सफर करते आए थे, लेकिन यूरोपीय ऑर्डर के जहाज बनवाने के लिए उन्हें कीलों को अपनाना पड़ा। और हो सकता है कि उन्होंने कीलों की बेहतर शक्ति को पहचान भी लिया। इसहाक भाई, मुझे इस जहाज का नक्शा दिखाएंगे आप? नक्शा तो नहीं है, दिमाग से बनाता है ये जहाज। लगभग नेवू के ऊपर 2 फुट उसका पठान है। हाँ। उसका ये चौड़ा ये। मास्टर मिस्त्री इसहाक भाई ने अमृता को बताया कि वे अपने नक्शे कभी कागज पर नहीं बनाते, उन्हें सिर्फ याद रखते हैं, और अपने बढ़ई साथियों को भी ये काम वो जबानी ही सिखाते हैं। हमारी तकनीकी और वैज्ञानिक परंपरा की ये एक बड़ी कमी रही है, अनुभव और जानकारी। इनको जब तक ऐसा रूप नहीं दिया जाता
कि और लोग इसे पढ़ और समझ सके, तब तक ये शिक्षा कारीगरों के नीचे काम करने वाले कुछ लोगों तक ही सीमित रहती है। इसके जबानी ही चलते रहने से नियम और सिद्धांत नहीं बन सकते, और एक हद के बाद न तो इसका विकास होता है और न ही इसकी बुनियादी बातों का किसी और काम में इस्तेमाल। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सन 1600 से 1800 की। इससे पहले कई सौ साल तक हिंदुस्तान, अरब देशों और चीन में प्राचीन नाविकी परंपरा खूब तरक्की पर थी। चीनियों ने तो बहुत पहले कंपास का आविष्कार भी किया था। तो फिर क्या वजह थी कि 16वीं सदी के आते आते दुनिया के तमाम समुद्रों में यूरोप ही यूरोप छा गया? नतीजा ये कि अगली कई सदियों तक उसने दुनिया के तमाम मुल्कों को दबा कर रखा। इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। कई आपस में जुड़ी बातों में ही हम इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। खास वजह ये कि एशिया के जहाज शायद ही कभी बीच समुद्र में जाते थे। वे किनारे किनारे ही एक बंदरगाह से दूसरे तक का सफर करते थे, व्यापार के अपने सदियों पुराने रास्तों पर। इन यात्राओं के लिए समुद्री रास्तों या सितारों के बारे में जितनी जानकारी ज़रूरी होती, वो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी ज़बानी मिलती थी। नौकायन के लिए नए यंत्रों, नक्शों वगैरह की ज़रूरत तब पड़ती जब वे बीच समुद्र में जाते, पर यह ज़रूरत उनको कभी महसूस ही नहीं हुई। फिर किस बात ने यूरोपियों को बीच समुद्र के खतरे उठाकर दूर देशों की यात्रा करने को उकसाया? उस वक्त यूरोप में क्या हो रहा था? एक तो एशिया तक पहुंचने का पुराना जमीन वाला रास्ता ओटोमन साम्राज्य ने बंद कर दिया था, इसलिए व्यापार के लिए समुद्री रास्ता ढूंढना जरूरी हो गया था। और फिर यूरोप में कई नए शहर बस रहे थे, जहां पूंजी वाले व्यापारियों का एक नया वर्ग उभर रहा था। इनको अपना माल बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी, और ये लोग नौकायन के यंत्रों, बेहतरीन जहाजों और नए देशों की खोज में पैसा लगाने को तैयार थे। और फिर नए नए लोगों को ईसाई धर्म में लाने का मिशनरी उत्साह भी था। यूरोप में रेनेसांस का जमाना था, एक नया युग जिसमें आदमी के दिमाग और उसकी काबिलियत में एक नया विश्वास जगा। खोज करने और नया ज्ञान पाने की जिज्ञासा पैदा हुई। सोच विचार में भी एक खुलापन सा आया। इस सब से विज्ञान और कला, इन दोनों को बढ़ने का मौका मिला। मैं कुछ स्लाइड लाई हूँ जिनमें उस नए युग की छोटी सी झांकी है। एक बदला हुआ नजरिया और बदलता हुआ समाज, यह हमें रेनेसांस की पेंटिंग्स में दिखाई देता है। अब दुनिया का केंद्र बना मनुष्य। इस दौर के नए सोच विचार ने जिंदगी के हर अंग को छुआ। रेनेसांस का उदय हुआ यूरोप में, मगर अरब देशों के साथ संपर्क ने इसकी बुनियाद रखी थी। इस संपर्क के जरिए खोई हुई प्राचीन यूनानी विद्या फिर सामने आई, और साथ साथ अरबों का अपना ज्ञान जिसमें चीन और भारत का विज्ञान भी शामिल था। एक मिसाल है अल हसन का ऑप्टिक्स या प्रकाश विज्ञान पर काम, जिसका बड़ा असर पड़ा। इसी से पेंटिंग में भी पर्सपेक्टिव का नियम आया, यानी हमें चीजें जिस तरह असल में नजर आती हैं, वो हमारे कितनी करीब या दूर हैं, इसका सही चित्रण। निरीक्षण और यथार्थ पर जोर, ये जरूरी था लंबी समुद्री यात्राओं के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, नए देशों की खोज में। वक्त की मांग ही ऐसी थी कि अब कलाकार, वैज्ञानिक, मैकेनिक, इन सब के काम उतने अलग नहीं रहे। इस मेल का प्रतीक है लियोनार्डो दा विंची। उसने प्रकृति के रहस्यों को जानने की और शरीर के अंदरूनी भागों को समझने की कोशिश की।
मशीनों के डिजाइन्स तैयार किए। पंछी के शरीर की संरचना को समझकर आदमी के उड़ान की कल्पना की। देखना, समझना, प्रयोग करना, यही था उस पूरे युग का स्वरूप जिसकी शुरुआत हुई रेनेसांस से। रेनेसांस का एक अहम पहलू था प्रकृति को समझने की कोशिश। इसीलिए एस्ट्रोनॉमी जैसी विद्या के साथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स भी काफी आगे बढ़े। हमारे देश में भी विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले लोग थे। यूरोप में जो कुछ हो रहा था उसका उन्हें ज्ञान था, पर यहाँ पुराने ज्ञान को ही निखारने का काम हो रहा था। जंतर मंतर बनाने वाले जयसिंह जैसे विद्वानों के एस्ट्रोनॉमी सही रिकॉर्ड्स रखने और भविष्यवाणी करने तक सीमित रही। वैसे जयसिंह को अपने जन्म के वर्ष में प्रकाशित न्यूटन के प्रिंसिपिया का ज्ञान तो जरूर रहा होगा, और वो कोपरनिकस और गैलीलियो के काम से भी वाकिफ रहा होगा। कुछ लोग जयसिंह की आलोचना करते हैं कि वो टेलीस्कोप से पहले वाली एस्ट्रोनॉमी में लगा हुआ था, लेकिन उसने टेलीस्कोप का उपयोग तो किया ही होगा क्योंकि उसने बृहस्पति के उपग्रहों वगैरह के बारे में लिखा है जिन्हें हम कोरी आंख से तो देख नहीं सकते। पर टेलीस्कोप तो 19वीं सदी में ही एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा उपयोगी यंत्र साबित हुआ। हाँ, अपनी समाज और समय के हिसाब से जयसिंह सचमुच एक अनूठा व्यक्ति था। वो मुगलों का मनसबदार था और उसी ने बाद में जयपुर शहर बसाया। वो पिछले 600 साल तक आमेर पर राज करने वाले कछवाहा राजपूतों का वारिस था। अकबर की एकता की नीति को जयसिंह के पूर्वज भारमल ने मान लिया था। उसने मुगलों की सत्ता कबूल करके अपनी बेटी की शादी अकबर से कर दी। बाद में आमेर के राजा मानसिंह ने अकबर का सेनापति बनकर काफी नाम कमाया। जयसिंह 13 साल का था जब वो 1700 में गद्दी पर बैठा। तब औरंगजेब की सत्ता थी। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए लड़ाइयां छिड़ गई। इसमें जयसिंह को भी पक्ष लेना पड़ा। जो भी हुआ, आखिर में उसे काफी मान सम्मान प्राप्त हुआ। रंगीला के नाम से मशहूर मोहम्मद शाह के समय में वो बड़े बड़े ओहदों पर रहा। मालवा, आगरा वगैरह में अपने मिलिट्री कैंपेन्स और पोस्टिंग्स के बावजूद उसने एस्ट्रोनॉमी में अपनी रुचि बनाए रखी जो उसे बचपन से थी। बाद में जब वो आमेर में ज्यादा दिन बिता सका तब वो एस्ट्रोनॉमी पर ज्यादा जोर दे सका, ज्यादा ध्यान भी। उसने अपने खगोलीय सूचियों की, टेबल्स की किताब तैयार की, ज़ेच मोहम्मद शाही। इसकी भूमिका में जयसिंह ने लिखा है, तारों की जो जगह निरीक्षण से मालूम की गई है उनमें और मौजूदा तालिकाओं में काफी फर्क सामने आए हैं। सवाई जयसिंह ने पाया कि ग्रहों का उगना और डूबना, सूरज और चांद पर ग्रहण लगना, इन बातों में भी अक्सर मेल नहीं होता, क्योंकि धर्म और प्रशासन दोनों इनकी सही जानकारी पर निर्भर हैं। इस समस्या के बारे में जयसिंह ने बादशाह को इत्तला दी। उन्होंने बाखुशी जवाब दिया, तुम वो हो जिसने विज्ञान के रहस्यों को समझा है, तुम इस मसले को हल करने का काम शुरू करो। तब सवाई जयसिंह ने शाहजहानाबाद में अपने खोजे हुए यंत्र बनवाए और जयपुर, मथुरा, बनारस, उज्जैन में भी। इन यंत्रों से रोज निरीक्षण किया गया और बादशाह के नाम पर किताब लिखी गई। तारों की जगह नए चांद का उगना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, ग्रह तारों का योग, ये सब बातें जब इस किताब से मालूम की जाएंगी तब वो जिस हद तक हो सके सच के करीब होंगी। बल्कि ये बातें यंत्रों के जरिए रोज देखी जा रही है
और सच साबित की जा रही है। ये छोटा सम्राट यंत्र है, इसे अपन लोकल टाइम देखेंगे। सुबह 6 बजे से डायल काम करता है, 6, 7, 8, 9, 9:30, 10, 10:05, 10 मिनट और 15 मिनट हो रहे हैं। तो ये जयपुर टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में फर्क क्या है? आज 25 मिनट का फर्क है। 25 मिनट, इसमें 25 मिनट अपन डिफरेंस जोड़ेंगे, इस प्रकार 10:40 अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जयसिंह से करीब 300 साल पहले समरकंद का राजा उलुग बेग, वो भी तो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड था। उसने भी बड़े बड़े यंत्र बनवाए। जयसिंह के काम पर उसका काफी असर पड़ा। रघु, जयसिंह जो एस्ट्रोनॉमी करता था उसका मकसद यही था ना कि रीति रिवाज सही पंचांग से हो। प्रशासन में भी काम का था, पर यह बात सही है कि उसकी एस्ट्रोनॉमी सीमित थी। खासियत यह और अलग बात भी यह है कि वो निरीक्षण करने वाला खगोल शास्त्री था। उसने अपने निरीक्षणों के रिकॉर्ड्स रखे और यंत्रों का आविष्कार किया, विज्ञान का तरीका अपनाया। जयसिंह ने ये चूना और पत्थर के यंत्र बनवाए क्योंकि उसका विचार था कि ऐसे यंत्र ज्यादा स्थिर रहेंगे और इसीलिए ज्यादा सही नतीजे मिल पाएंगे। फिर छोटे कांसे और पीतल के यंत्रों में इतनी बारीकी से निशान अंकित करना मुश्किल था और इस तरह के यंत्र बहुत लंबे समय तक टिकते भी नहीं। लेकिन जयसिंह के यंत्र इतने बड़े बड़े और एक ढर्रे के हैं कि इनमें सुधार करना या नई खोज को शामिल करना मुश्किल था। अगर डिजाइन थोड़ी सी भी बदलनी हो तो बड़ा भारी काम करना पड़ेगा। ऐसे यंत्र बड़ी संख्या में भी नहीं बनाए जा सकते। यूरोपीय यंत्रों में सुविधा थी, उनका विकास आसान था, सुधार की गुंजाइश थी। जयसिंह ने यूनान, अरब और मध्य एशिया की परंपराओं को अपनाया। यूरोप से किताबें मंगवाई। यहाँ है टोलेमी की अलमजस्त, जिसका जयसिंह ने अरबी से अनुवाद करवाया। 1000 से ज्यादा साल तक यूरोप और अरबी एस्ट्रोनॉमर्स इसी को आधार मानते रहे। यहाँ जयसिंह के अपने समय की किताबें भी है, जैसे ग्रोसर्स एटलस, देलाहिर के ताबुले एस्ट्रोनॉमी के, और फ्लैमस्टीड का तारों का कैटलॉग और यंत्रों का विवरण। और हाँ, जयसिंह की अपनी किताब जीच मोहम्मद शाही, इसमें ग्रहों के अंडाकार घेरों यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमने का जिक्र है, जबकि एशियाई परंपराएं तब तक ऐसे घेरों को गोल मानती थी। जयसिंह के अपने काम के और भी नमूने हैं यहाँ, जैसे जयपुर शहर की योजनाएं। ठीक है, अब उसके बारे में तो तुम ही बताओगे। '1727 में जयपुर की नींव डाली गई। कुषाण शहरों के 1500 साल बाद जयपुर भारत का पहला बड़ा नियोजित शहर था। आज का पुराना जयपुर जयसिंह के समय से ज्यादा बदला नहीं है। यह है बड़ी चौपड़, 2 प्रमुख सड़कों का चौराहा। ये चौपड़े मेल मुलाकात की जगह थी। शहर को आबाद तो करना ही था, समृद्ध भी बनाना था। जयसिंह ने व्यापारियों को बुलावा भेजा, हवेलियां बनवाई, उन्हें टैक्सेस में छूट दी गई। इन आयोजनों से आकर्षित होकर अनेक व्यापारी जयपुर आकर बसे। शहरी जीवन का रंगमंच थी सड़कें। पहली मंजिल पर छज्जे हुआ करते थे जिनसे शाही सवारियां और अक्सर होने वाले त्योहारों की रंगत वगैरह देखी जाती थी। तल मंजिल पर दुकानें बनाई गई थी। जयपुर की दुकानों में जो सामान तब बिकता था वो आज भी मिलता है। कई पारंपरिक दस्तकारियां जीवित हैं। लहरिया, बांधनी
मीनाकारी। रंजन तुम्हें क्या लगता है जयसिंह ने क्या सोचकर ये शहर बसाया होगा? कारण तो साफ है, मुगल प्रशासन में जयसिंह का महत्व बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसके पास बड़ी फौज थी और बड़ा सिविल एस्टैब्लिशमेंट भी था। आमेर की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी और उसके पास एक अच्छा आर्किटेक्ट था, विद्याधर। हो सकता है उसी ने जयसिंह को प्रेरित किया हो कि वो अपनी नई राजधानी नियोजित ढंग से बनवाए। फिर मुगल साम्राज्य भी बिखर रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि जयपुर बनवाकर जयसिंह एक तरह से अपनी स्वतंत्रता का दावा कर रहा था, उसका अपना शहर उसके अपने नाम पर? हाँ, शायद ये भी रहा होगा उसके मन में। जयसिंह के बाद उसके बनाए सभी जंतर मंतर टूटने गिरने लगे, पंचांग बनाने वालों ने भी उसके काम को नहीं अपनाया और पुरानी जानकारी के आधार पर चलते रहे। जयसिंह ने एस्ट्रोनॉमी में निरीक्षण को बढ़ावा देने की कोशिश की पर वो भी नाकाम रही। आज 250 साल बाद जयपुर और दिल्ली के जंतर मंतर टूरिस्ट आकर्षण बन गए हैं और हम समझते हैं कि जयसिंह की विज्ञान में गहरी रुचि थी। पर अफसोस भी होता है कि वो अपने समय को एक नया मोड, अपने समाज को एक अलग दिशा नहीं दे सका। जयसिंह अपने समय में अकेला सा नजर आता, पर उसके जैसे और भी होते तो समाज पर अलग असर पड़ सकता था अगर जयपुर जैसा आर्थिक विकास और जगहों में भी होता और इसके सहारे टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ होता। तब हो सकता था कि अंग्रेजों की बढ़ती राजनीतिक शक्ति के खिलाफ एक बेहतर बचाव बने। उन दिनों अंग्रेजों का छा रहा था राज। ऐ सुनो, तुम भी सुनो, बात है ये साफ। आज हम ये जाने कि साफ है ये बात, क्या लोग उस दौर के समझ सके थे हाल। वक्त बीता खूब तब महसूस की ये बात कि तो बंदूक जहाज का है राज। ज्ञान का माध्यम बनी छपी हुई किताब के मुगलों और राजाओं का छिन चुका है दांव। पश्चिम में उठ रहा था बदलाव का उफान, पहचान पाए ना कोई पर साफ थे निशान। दूर तक अच्छा बुरा होने को था अंजाम। अंधी श्रद्धा की अंधेरी रात बीती, केंद्र में ब्रह्मांड के नहीं अब धरती। नया था वो युग जिसके नए थे विचार, उस दौर में हो रहे थे नए आविष्कार। फिर भी इस सवाल का जवाब क्यों नहीं, नवयुग की वो क्रांति यहाँ हुई क्यों नहीं। पश्चिम में उठ रहा था बदलाव का उफान, पहचान पाए ना कोई पर साफ थे निशान। दूर तक अच्छा बुरा होने को था अंजाम। अठारहवीं सदी तक कई भारतीय शासक ये समझने लगे थे कि यूरोपीय, खास तौर से अंग्रेज, कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। इन शासकों में मैसूर के टीपू सुल्तान को लगता है अपने समय की घटनाओं का खास अंदाजा था। वो इस मामले में अपने पड़ोसी मराठों और निज़ाम से अलग था, जो अंग्रेजों से दोस्ती करके उसके खिलाफ हो गए थे। जयसिंह के लिए तो विज्ञान एक निजी शौक था, पर बाद में टीपू के मैसूर में
टेक्नोलॉजी एक चुनौती का सामना करने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यूं तो विकास और नवपरिवर्तन केवल मैसूर में नहीं देश के कई हिस्सों में हो रहा था। आगरा फल फूल रहा था, मुर्शिदाबाद रेशम और हाथीदांत का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ के हस्तकलाओं और बाजारों पर औद्योगिक क्रांति का असर अभी कोसों दूर था। मैसूर को तो हमने एक उदाहरण के रूप में लिया है, क्योंकि यहाँ कई घटनाएं खास तरह से साथ साथ हो रही थी और टीपू सुल्तान की दूरदृष्टि उनको आगे बढ़ा रही थी। अठारहवीं सदी के अंत में मैसूर आखिरी राज्य था जो तब तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। शायद ईस्ट इंडिया कंपनी तो समझौते के लिए राजी हो जाती, क्योंकि उसका लगभग दिवाला निकल चुका था, पर टिप्पू किसी भी शर्त पर अंग्रेजों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं था और हैदर अली के समय से होते आ रहे एंग्लो मैसूर युद्ध जारी रहे। जाहिर है इस माहौल में लोगों का नया सोच और सुधार खास करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा, न सिर्फ हथियारों में बल्कि फौजी व्यवस्था में भी। तभी उसने पैदल सेना पर ज्यादा जोर दिया। पैदल सेना के पास मैसूर में ही बनाई गई बंदूकें और संगीने थी। टिप्पू ने तोप ढालने की फाउंड्री भी स्थापित की थी। इस इलाके का लोहा बेहतरीन किस्म का था और यही लोहा टिप्पू के रॉकेट्स में भी काम आया। वैसे तो लड़ाई में रॉकेट्स का पहला उपयोग 13वीं सदी में चीन में हुआ था और फिर यूरोप में, पर तोप के आविष्कार के बाद रॉकेट्स कुछ काम के नहीं रहे। करीबन 250 साल बाद मैसूर में रॉकेट्स का उपयोग फिर शुरू किया गया। ये गोदाम था बारूद और हथियारों का। टिप्पू की फौजों ने रॉकेट्स को सुधारकर उनका सचमुच प्रभावी इस्तेमाल किया। विश्व में पहली बार उनमें लोहे की नली लगाई गई। लोहे की मजबूती के कारण उसमें जल्दी विस्फोट होने का डर नहीं था और यूं ज्यादा बारूद भरा जा सकता था। इससे रॉकेट की रेंज 2 किलोमीटर तक की हो गई। इस तरह एंग्लो मैसूर युद्धों में वो अंग्रेजों के लिए भारी उलझन और परेशानी का कारण बने। टिप्पू ने कई आर्थिक फरमान जारी किए, जिनमें से एक खेतीहर मजदूरों का शोषण रोकने के लिए था। अगर कोई रायत अत्याचार से तंग आकर भाग जाता तो जमींदार को जुर्माना भरना पड़ता। टिप्पू ये मानता था कि आर्थिक विकास न्याय से जुड़ा हुआ है। खुदा ने मिट्टी में जान डाली और इंसान का रूप दिया, फिर कुछ खास लोगों को अहदा और ताकत, दौलत और बादशाहत से इज्जत बख्शी, ताकि वे कमजोर, मजबूर और गरीब लोगों को सहारा दें और आवाम की खुशहाली को बढ़ा सकें। और लगता है न्याय का ख्याल हमेशा उसके जहन में रहता था। फ्रांस की क्रांति में उसने गहरी दिलचस्पी ली। ताज्जुब की बात है, राजशाही खत्म करने वाली क्रांति में एक राजा की सहानुभूति। अमरीकी क्रांति की भी उसने खबर रखी। अंग्रेजों से आजादी का अमरीकी डिक्लेरेशन पढ़कर टिप्पू की अपनी राष्ट्रवादी भावना और मजबूत बन गई होगी। उसने यूरोप से हर विषय की किताबें मंगाई, फ्रेंच अकेडमी से विज्ञान पर खतो किताबत की और अपने राज्य में नए से नए ज्ञान का इस्तेमाल करने की कोशिश की। रोजमर्रा काम में आने वाली हर जानकारी के प्रति उसमें जिज्ञासा थी। हाँ, चाहे वो फौज के बैलों को अच्छा चारा देने की बात हो या फिर बरोमीटर के बारे में किसी यूरोपीय किताब का अनुवाद कराने की। मैसूर राज्य की संपन्नता के आधार थे उसके वन और उसकी खेतीबाड़ी। चंदन की लकड़ी, काली मिर्च वगैरह के निर्यात के अलावा उद्योग उत्पादन का भी काफी महत्व था। मैसूर पर विजय के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डॉक्टर फ्रांसिस बुकैनन को इस इलाके के सर्वे का काम सौंपा। ब्यूकैनन ने खेती, व्यापार और उद्योगों के बारे में
विस्तार से रिपोर्ट तैयार की। उसने खेती और दस्तकारी के विविध औजारों के चित्र बनाए। यहाँ के बेहतर नस्ल के मवेशियों से वो बड़ा प्रभावित हुआ। कांच, स्टील और तेल निकालने के उद्योगों का भी वर्णन किया। टिप्पू की नीति थी फल पाने के लिए बीज का आयात करना और हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी नोहाव हासिल करना। जैसे कि उसने मस्कट से रेशम के अंडे और कीड़े मंगवाए और रेशम उत्पादन के जानकार आदमियों को बुलवा भेजा। इस तरह शुरू हुई बेंगलोर की सिल्क इंडस्ट्री। हालांकि टिप्पू का यह प्रयोग सफल नहीं रह पाया, फिर भी ये एक शुरुआत थी। जहां श्रीरंगपटना राजधानी थी, मैसूर राज्य का व्यावसायिक केंद्र था बेंगलुरु। ब्यूकैनन ने लिखा कि यहां हिंदुस्तान का हर सिक्का चलता है। बेंगलुरु किले का बस इतना सा खंडर रह गया है। कितना सूनापन है यहाँ। अंदर आ जाने के बाद विश्वास नहीं होता कि ये आज के शहर के बीचों बीच है। फिर ये ख्याल भी आता है कि टिपू सुल्तान का मैसूर राज भी इसी तरह तन्हा सा था, दुश्मनों से घिरा हुआ। चार मई 1799 तोपों के लगातार हमले से इस दीवार को तोड़कर अंग्रेज श्री रंगपटना किले में घुस पाए। टिपू अपने सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। कई घंटों बाद टिपू का शव दूसरे सिपाहियों के साथ यहां मिला। सब कुछ तबाह कर दिया अंग्रेजों ने। टिप्पू के बाद सारे मैसूर राज की व्यवस्था ही चौपट होती गई। उद्यम, विकास और बदलाव की भावना को भारी धक्का लगा। एक सवाल रह जाता है, अगर अंतिम जीत टिप्पू सुल्तान की हुई होती तो क्या यहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी का किस्सा कुछ और ही होता? टिप्पू सुल्तान ही नहीं, जयसिंह भी, और उससे भी पहले अकबर के दरबारी फतुल्ला शिराजी। सन 1600 से 1800 के दरमियान विज्ञान में दिलचस्पी रखने वाले ऐसे बहुत लोग थे, लेकिन वो सब किसी हद तक अकेले थे, किसी अभियान या मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे। इस माने में उस समय का यूरोप बिल्कुल अलग था। उस वक्त यूरोप में कई वैज्ञानिक सोसाइटियाँ बनी, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, फ्रेंच रॉयल एकेडमी। साइंस सब्जेक्ट्स अब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाने लगे। रेनेसांस के बाद दुनिया के बारे में लोगों का नज़रिया बदल चुका था। साथ साथ लंबे समुद्री सफ़र के लिए गणित जानने वाले लोग भी तैयार हो गए थे। इन्हें बारीकी से काम करने की आदत थी, जैसे कंपस, यंत्र, नक्शे वगैरह बनाना। माहौल बिल्कुल मुफीद था कि वैज्ञानिक क्रांति हो सके। इसी क्रांति ने आधुनिक विज्ञान को जन्म दिया। कितना कुछ तो हुआ। एक तरफ गैलीलियो ने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा और दूसरी तरफ ह्यूमन हॉक ने माइक्रोस्कोप से छोटे छोटे जीव जंतुओं पर नजर डाली, और फिर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और कैलकुलस, लीनियस द्वारा जीवों का वर्गीकरण और हार्वे का शरीर विज्ञान। फिर तकनीकें कितनी बड़ी, नौकायन के लिए पेंडुलम वाली घड़ियों से लेकर क्रोनोमीटर तक, भाप इंजन, धातुकर्म और जाने क्या क्या। ये सब एक खास माहौल के कारण हो सका। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के बिशप स्प्रैट ने कहा था, आजकल विज्ञान केवल विद्वानों के चिंतन से नहीं, बल्कि मैकेनिक्स के दुकानों, समुद्री यात्राओं, खेलकूद, बगीचों, किसानों के हल, इन सब चीज़ों से बढ़ रहा है, और इसलिए इन सब कामों में लगे लोगों को सोसाइटी का सदस्य बनाना चाहिए। और विज्ञान की भाषा विद्वानों की लैटिन नहीं, आम फहम अंग्रेजी होनी चाहिए, जिसमें एक अपनापन हो, साफ आसान बोल हो। किसानों, दस्तकारों,
सौदागरों को समझ में आने वाली जबान। ये तो चर्च के एक बिशप के ख्यालात थे और विज्ञान के लिए ऐसा ही माहौल जरूरी था। लेकिन क्या उस समय के हमारे यहां के धर्मगुरु ऐसा सोच सकते थे? ये एक वजह रही कि यूरोप हमसे आगे बढ़ गया। उन्होंने विज्ञान का हथियार की तरह इस्तेमाल किया। आगे चलकर औद्योगिक क्रांति से इसको बढ़ावा मिला। लेकिन हमारे यहां विज्ञान का माहौल तभी बन सका जब आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। तभी हमने ये महसूस किया कि अगर हमें ये जंग जीतनी है तो विज्ञान को अपनाना ही पड़ेगा। कुछ इस कदर काम में लाया गया विज्ञान, साम्राज्य के स्वार्थ का हो गया ऐलान। साम्राज्य ने भी ऐसा जाल बिछाया, ब्रिटेन तो ब्रिटेन पुर्तगाल भी आया, फ्रांस हॉलैंड स्पेन का झंडा लहराया, संसार भर के देशों पर था रौब जमाया। दबे हुए थे भारत, एशिया, अफ्रीका, हारे हुए थे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमरीका। भाग ये विश्व के बिछड़ने लगे, उनको दबाने वाले ही बस बढ़ने लगे। बाजुओं में उनके थी तकनीक और विज्ञान, भाग्य का नहीं था कोई खेल ये अंजान।